हो जाइए फटाफट से सवार हमारी फटाफट एक्सप्रेस पर, कीजिए एंटरटेनमेंट की दुनिया की सैर। भाई और किस तरह, सिर्फ एक ही तो तरीका है, फटाफट से। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में सबसे पहले चलिए बात करते हैं सीरियल अनुपमा की। अब तोशो और पाखी ने चोरी तो की ही, ऊपर से सीना जोरी भी की। अब अनुपमा इन्हें बचाने का काम तो करेगी, लेकिन पाखी और तोशु हर बार की तरह अनुपमा को ही दोषी मानेंगे, क्योंकि उन्हें ये पता चलेगा कि अनुपमा के वजह से ही उन्हें बर्तन धोने पड़े। तो इसका मतलब आपने हमें पकड़वाया है। अरे बाहर में जाओ आप लोग, कौन जो है महान बंदी की ओर जब नीचा दिखाना होता है तो जा रहे हैं यहाँ से, नहीं रहना इस कचरा पेटी में हमको। अब देखिए, अगर आप काम ऐसा करेंगे जहाँ आपको बर्तन धोने पड़े तो इसमें गुस्सा होने की क्या जरूरत है। अब जब आपके पास पैसे नहीं थे तो होटल रूम को भी बुक नहीं करना चाहिए था। अब आपकी सीना जोरी को देखकर तो यही लग रहा है कि आप कुछ भी कर सकते हैं अपने पिता वनराज की तरह। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अगला स्टेशन है सीरियल झनक का। अब झनक के लिए अनिरुद्ध सब कुछ छोड़ छाड़ कर मुंबई जाना चाहता है। इसके लिए वो पूरी तरह से तैयार भी हो गया है, मगर उसकी बीवी अर्शी उसे ये मंजूर नहीं है। जब अर्शी पूरे घर वालों के सामने इसको लेकर मुद्दा बनाएगी तब अनिरुद्ध उसकी बोलती बंद कर देगा। मैं डिसीजन ले चुकी हूँ और मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर तुम मुंबई गए ना तो तुम मुझे इस घर में नहीं रोक पाओगे, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अगर अर्शी यहाँ पे खुश नहीं है, कहीं और जाके खुश रहना चाहती तो जा सकती है, इट्स हर चॉइस। क्योंकि अब अनिरुद्ध को कोई फिक्र नहीं है कि अर्शी उसके साथ रहे या ना रहे। काफी समय बाद अनिरुद्ध झनक के लिए बात करेगा। इतना ही नहीं, वो अर्शी को ये रियलिटी चेक देगा कि अर्शी जो डांस कंपटीशन जीती थी वो किसी और की वजह से नहीं बल्कि झनक की वजह से ही जीती थी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अगला स्टेशन है सीरियल कुंडली भाग्य का। अब देखिए, शौर्य ने कसम तो खा ली है कि वो पलकी और राजवीर को चैन से जीने नहीं देगा, मगर अब उनकी सगाई हो गई है और जल्द ही उनकी शादी भी हो जाएगी। लेकिन ये क्या शौर्य, आप तो गम में इतना डूब गए कि आपने खुद को ही मुसीबत में डाल दिया। जी हाँ, हमारे कानों में खबर लगी है कि जल्द ही शौर्य को पुलिस पकड़ने आएगी, वो भी हिट एंड रन केस में। मगर कहानी में ट्विस्ट तो तब आएगा जब शनाया सारा इल्जाम खुद पर ले लेगी अपने प्यार शौर्य को बचाने के लिए। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल कुमकुम भाग्य का। अब पूर्वी गई थी आरवी के लिए सबूत इकट्ठा करने और उसे लगा था कि वो नेत्रा के बॉयफ्रेंड से हाथ मिलाकर उससे सारे सबूत इकट्ठा कर लेगी, लेकिन यहाँ सब कुछ उल्टा हो गया और नेत्रा के बॉयफ्रेंड ने उसे ही धमकी दे डाली। अब इस बात से पूर्वी काफी ज्यादा निराश है और उसकी उम्मीद जो थी वो पूरी तरह से टूट गई है, जिसकी वजह से वो आरवी के सामने बेबस हो जाती है और रो पड़ती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि वो अब अपने आरवी को कैसे बचा पाएगी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई फटाफट खबरों के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।